अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, गुड मॉर्निंग और जुमातुल मुबारक। तो आज जो है हम बर्मिंघम में हैं, इनायत के पास। यहाँ पे आज जॉब थी तो दो चार दिन यहीं पे गुजारना है। तो जो आज जो है वो फुल टाइम जो है वो रोशनी है और बारिश बुरिश नहीं है। पहले बीच में बहुत शदीद बारिश रही, मैं रात को पहुँचा था तो शदीद बारिश आ रही थी। काफ़ी देर रुका रहा वहाँ पे बस स्टेशन पे और छतरी लेके, शुक्र है छतरी होती है हर वक्त हाथ में जिसकी वजह से ना गुजारा हो जाता है। तो अभी जो है नाश्ता करना है क्योंकि सुबह सुबह जॉब पे जाना है। और नाश्ते में जी चाय और अंडा, वजन यही है यूके की जाना, चाय और अंडा ब्रेड, ये यहाँ का लाजवाब नाश्ता, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास एक और चीज़, भाई अपने सारे कपड़े लेके आया था और ये मशीन में डाल दिए। ये जो है मशीन में, ये वजन कपड़े डाल दिए मशीन में, पीछे इसका कुछ होता है सिस्टम और पानी आता है और इस जगह पे हम डाल देते हैं अपना सर्फ और ये हमारा लग जाता है टाइम, दो घंटे का टाइम लगता है और ये कपड़े धुल के, कपड़े भी धुल जाते हैं और उसके बाद क्या होता है ये ड्राई होना भी शुरू हो जाते हैं और ड्राई ड्रुई हो के, मैं तो सोच रहा था कि धूप होगी। ये जी घर के बाहर का हिस्सा, ये थोड़े थोड़े से आज बादल बने हुए हैं लेकिन कोई बारिश बुरिश नहीं है, सिस्टम सारा हो। तो निकलते हैं भाई नाश्ता करके। ये जुमे का टाइम है और जुमा नमाज के लिए हम जो है जा रहे हैं, ये आगे जाके मस्जिद आएगी और लोग जो है माशाल्लाह जुमे की तैयारी करके जुमे की तरफ रवाना दमा। अभी तक मैंने जो नमाज़ पढ़ी है ना मस्जिद में यहाँ पे बर्मिंघम में, तो मतलब ऐसे नहीं है कि गुंबद हैं और बड़ी बड़ी मस्जिद, ऐसे जैसे छोटे से घर होते हैं ना अपार्टमेंट टाइप से, तो इस किस्म के बने हुए हैं और उसमें फिर मुकम्मल जो है ना वो नमाज की जगह है, वहाँ पे इमामत होती है। फिर यहाँ पे मुसलसल जुमे होते रहते हैं एक से एक ही मस्जिद में, मुझे लगता है क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब सुन रहा था ना वो ऐसा महसूस हुआ था कि उसी मस्जिद में 12:30 भी एक जुमा होता है, फिर 1:30 भी एक जुमा होता है। तो ये देख एक मरकज़ है यहाँ पे, ये मरकज़ है जिसमें वो चीज़ें पड़ी होती हैं और ये जी आ गई मस्जिद। अगर हम जाएंगे तो ये मस्जिद है, ये देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आला अली सय्यिदना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पेश किया जा रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है मस्जिद में जब से जुमा नमाज बाजमात मिली है यहाँ पर, मतलब मस्जिद में, वरना तो हम बाजमात अदा कर लेते थे तो मस्जिद में पहला मौका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला और अल्लाह ताला हमें जुमा नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाया। आज यहाँ पे चल रही है जी पार्टी और पाकिस्तानी फूड जो है वो यहाँ पे आ चुका हुआ है, काफ़ी जो है ख़त्म हो चुका है, ये ब्रेक टाइम है और हम जो है ना इन्जॉय कर रहे हैं ज़रा फूड को। यार से बाहर जो है ना पाकिस्तान का कोई मतलब इस किस्म का चटपटा किस्म का खाना खाया है और अभी भी जो है ना क्या कर रहा हूँ भला मैं, थोड़ा सा पिज़्ज़ा जो है वो भी उसको कर रहा हूँ ओवन में डाला हुआ है, पिज़्ज़ा खाते हैं इंशाल्लाह। आ जा रे वालमा, आ जा रे वालमा, और ये 2 सेकंड देख सकें टंडना, ओ ये है आयु को, चलो भाई ओ हो, ये आ गया स्वाद, ये चीज़ अब भाई इसको चटपटी चटनियों के साथ खाएगा टंडना टना टना, ये मायोनीज भी पड़ी है और इसमें ना जलेबी भी है, वाह। इनका कोई ब्लैक फ्राई ये चल रहा है जिसकी वजह से जो है ना आज एहतमाम किया गया इन सारी चीज़ों का, तो जश्न किया जा रहा है यहाँ पे। और उस डब्बे के अंदर गुलाब जामुन वगैरह भी पड़े हैं, वो भी भाई खाएगा और भूख लग रही है, टाइम से खाते हैं माशाल्लाह। जी नाजरीन, ये वही टेलीफोन बूथ है
जो आप मूवीज़ में देखते हैं हॉलीवुड की मूवीज़ में, और जहां से फिर जिन्नात बाहर आते हैं या आदमखोर बाहर आते हैं, आपको सनसनाते पत्ते नज़र आते हैं रोड पे, ये खाली रोड। और ये देखिए ये रॉन्ग टर्न वाला डाला, खाली रोड आपको उसकी याद दिलाते हैं। दरख्तों के अंदर से हवा गुजरने के मंजर, मैं आप भी डर जाने आज रात मैंने लगता। तो ये अनायत ने आज बनाई थी थोड़ी सी कढ़ाई, हम पहले थोड़ी सी खा चुके थे कल रात ना, तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ, मैंने कहा आप लोगों का ना नज़ारा दिखा दूं। जो सच बात है ना, खानों के हाथ बना जायका खीर है, यकीन करो। अपना जितना भी बंदा बना रहे ना, लेकिन जो खान के हाथ का जायका है ना, उफ, हम आपको दिखाते हैं किस कारीगर के हाथ लगे हुए हैं ये। आय माशाल्लाह खाना यार मड़ा, एक मुझे एक बात बताओ, ये जो मड़ा मड़ा बोलते हैं खान को, ये मड़ा का क्या मतलब होता है? ये मैं इसके लिए ना आज पिज्जा चोरी करके लाया हूँ जो मैं आज खा रहा था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैंने कहा चल भाई एक पिज्जे को ना इधर हाथ मारते हैं, अपने यार के लिए ना पिज्जा खिलाएं, बेचारा भूख से मर जाता है। चलो भाई हम खाना खाते हैं यार, बहुत टेस्टी है। शुक्र है ऐसे टाइम रात एक और था बस पिज्जा बजे रहा रोज तुम निशे हुए वाला जमा को बस मैं फर्स्ट डे और अच्छे बॉस को होता। पहले जिंदगी में इंग्लिश के रोल लेते हैं, अंग्रेजी नहीं समझ में आती थी, अब साली पश्तो भी नहीं सीखनी पड़नी है। मड़ा संगकारा क्या था उसका? संगे खे खेम खेम चेस का, लोग चेस का, इसका क्या मतलब है? यार क्या खर्चे यार, तुम लोग उर्दू में नहीं बात कर सकते, पहले अंग्रेजी सुनते रहो, हमारी पूरा दिन अंग्रेजी सुनते रहो, फिर रात में आके बंदक पश्तो सुने। ये यूके क्या है? वाकई मल्टी कल्चरल है भाई यूके, वो कहते हैं ना मल्टी कल्चरल यूके, मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट। चाय पीते हैं भाई चाय। चलो भाई पश्तो भी सुन ली, चाय भी पी ली। मेरे ना बैग में थोड़ा सा ना पेन हो रहा था, और ये जो है ना बेसिकली हीटर है, मैं इस हीटर के साथ ना अपनी बैग को अटैच करके इसको ना हीट कर रहा हूँ, जैसे हीट पैक लगाते थे ना। इधर बड़े मज़े का हीट पैक लग रहा है, और बड़ी मस्त नींद आने वाली है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।